हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज संपत राजनागर। तो आज तक जो इस चैप्टर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया, दोनों का हार्मोनल कंट्रोल कंप्लीट हो गया है। उसके साथ साथ अपन ने गेमेटोजेनेसिस का स्टडी कर रहे हैं। किसका स्टडी कर रहे हैं? गेमेटोजेनेसिस के बारे में देख रहे हैं कि गेमेटोजेनेसिस में किस प्रकार से गोनाड्स में गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है। अब अपन ने यहाँ पर भी स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्रजनन टू स्टेप में होता है, उसका डायग्राम अपन ने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद जो स्पर्मेटोजेनेसिस है टू स्टेप में, स्पर्म एक तो जर्म सेल से, प्राइमरी जर्म सेल से किस टाइप से स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है, और फिर स्पर्मेटिड का किस प्रकार से स्पर्म में फॉर्मेशन होता है, मतलब स्पर्मेटिड का स्पर्म में फॉर्मेशन अपन देखेंगे। अभी अपन ने स्पर्म जर्म सेल से, प्राइमरी जर्म सेल से किस प्रकार से स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है वो तीन स्टेप में अपन ने कंप्लीट कर लिया था, जिससे गोल अचल पूंछ रहित स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ था, जिससे क्या अपन देखा है कि पहले गुणन प्रावस्था, फिर वृद्धि प्रावस्था, फिर परिपक्व प्रावस्था से रिलेटेड, फिर शुक्रकायांतरण। तो शुक्रकायांतरण का आगे अपन देखते हैं, उससे रिलेटेड कुछ है कि यदि कोई एक स्पर्मेटोगोनिया है, उस स्पर्मेटोगोनिया से कितनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी, कितनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, कितने स्पर्मेटिड बनेंगे और कितने स्पर्म बनेंगे, एक क्वेश्चन में आपको लिखता हूं कि एक स्पर्मेटोगोनिया से, एक स्पर्मेटोगोनिया से कितनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, कितनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कॉमा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, कितनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, कितनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कॉमा स्पर्मेटिड वह स्पर्म बनेंगे कितने बनेंगे? आंसर है एक स्पर्मेटोगोनिया से, एक स्पर्मेटोगोनिया से कितना स्पर्मेटोसाइट बनेगा? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट वन बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, फोर स्पर्मेटिड बनेंगे एंड फोर स्पर्म बनेंगे। आप फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि फ्लो चार्ट में किस प्रकार से इनका फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। फ्लो चार्ट में देखते हो, आपने एक प्राइमरी जर्म सेल ली, उससे स्पर्मेटोगोनिया बना। अब स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। सिंगल स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ करेगा तो सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में एक सिंगल मियोसिस होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, तो टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, और टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में वापस मियोसिस सेकंड होगा, मियोसिस सेकंड से क्या होगा, चार स्पर्मेटिड से फोर वापस स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। सौ हंड्रेड स्पर्म के
निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे, कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे, कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे, तो आप जानते हो इसका आंसर होगा 25 मियोसिस। आप ये जानते हो सो स्पर्म का निर्माण करना है, ध्यान में रखना, वन स्पर्मेटोगोनिया से वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है और वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। यहाँ पर ध्यान में रखना, यहाँ पर होता है मियोसिस फर्स्ट, फिर वापस मियोसिस सेकेंड होगा तो फोर स्पर्मेटिड बनेगा और इसमें कायांतरण होगा तो फोर स्पर्म बनेंगे। तो अपन कह रहे हैं कि सो स्पर्म के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे, तो एक अर्धसूत्री विभाजन ये हुआ, मतलब चार के निर्माण के लिए, फोर के लिए वन मियोसिस होगा तो 4 × 25, सो के लिए कितना होगा आप यहां लिख सकते हो, 100/, क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, 25 को 4 से गुणा कर सकते हो, वन के लिए क्या हो रहा है, चार, मतलब चार के लिए वन मियोसिस हो रहा है तो 25 के लिए कितना होगा 100, या आप डायरेक्ट बोल दो 100 में आप चार का भाग दोगे तो कितना आएगा, दो चुका 5 × 10, ऐसे भी तो कर सकते हो, जैसे आप मैथ का थोड़ा सा जानते होंगे ऐसे निर्माण कर सकते हो, ये कैलकुलेशन है थोड़ी बहुत, आप थोड़ा डायरेक्ट याद रख लेना, डायरेक्ट 1 × 4 = 8 ऐसे पर बात करोगे तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 × 100 हो जाएगा, मतलब एक मियोसिस से 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, तो 25 मियोसिस से 100 स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। क्या देखना है, शुक्र कायांतरण देखना है, शुक्र कायांतरण में क्या होगा, जो स्पर्मेटिड बना है उस स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्ट होना है, क्योंकि स्पर्मेटिड कैसा है, गोल है, अचल है, पूंछ रहित है, तो इस स्ट्रक्चर को आपने पूंछ युक्त संरचना में परिवर्तित करना है, क्या करना है, तर्कुकार चल व पूंछ युक्त शुक्राणु में बदलना है, तो इस प्रोसेस को फिर आप बोलेंगे शुक्र कायांतरण। तो गोल कोमा अचल व पूंछ रहित, गोल हो जाएगा, अचल हो जाएगा, वो पूंछ रहित स्पर्मेटिड का तर्कुकार कोमा चल व पूंछ युक्त पूंछ युक्त शुक्राणु में बदलना शुक्र कायांतरण कहलाता है, पूंछ युक्त शुक्राणु में बदलना शुक्र कायांतरण कहलाता है, क्या कहलाएगा, शुक्र कायांतरण कहलाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाएगा।
शुक्र जनन का द्वितीय भाग है। क्या है? सेकंड पार्ट है भैया, द्वितीय भाग है। और इस चरण में कुछ परिवर्तन स्पर्मेटिड में कुछ परिवर्तन होते हैं जिनसे स्पर्मेटिड में क्या होता है, कुछ परिवर्तन होते हैं जिनसे स्पर्म बनता है। ऐसे परिवर्तन को शुक्रकायांत्रण कहा जाता है। ऐसे परिवर्तन को शुक्रकायांत्रण कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? शुक्रकायांत्रण कहा जाता है। स्पर्मेटिड का आरेख है। इस स्पर्मेटिड में क्या होता है? स्पर्मेटिड क्या है? गोल है, अचल है, पूछ रही थे। लेकिन ये स्पर्मेटिड बाद में चल में और तर्कु रूपी वो पूंछ युक्त संरचना में बदल जाता है। कैसे इसमें चेंजेज होता है? तो यहाँ पर अपन जो डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम में क्या है कि कोशिका है, कोशिका के बाहर की ओर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर अगुणित केंद्रक पाया जाता है। यह अगुणित केंद्रक बाद में शुक्राणु के केंद्र पर स्थित हो जाता है। शुक्राणु के आगे शीर्ष पर स्थित होता है। शुक्राणु में पहले जो स्पर्मेटिड होता है, स्पर्मेटिड में जो गोल्जी काय होती है, गोल्जी काय तो शुक्राणु के शीर्ष का शुक्राणु पर टोपी के नुमा संरचना का निर्माण करेगी, जिसे एक्रोसोम कहा जाता है। एक्रोसोम होता है ना, एक तरह से हाई ल्यूरोनिडेज एंजाइम का, एक्रोसोम हाई ल्यूरोनिडेज एंजाइम का और साथ साथ में एक्रोसोम का एक्रोसिन हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है। जो एक्रोसिन हाई ल्यूरोनिडेज एंजाइम होते हैं, ये क्या करते हैं, जो अंडाणु की भित्ति होती है उसको गलाने का काम करता है। मतलब ये क्या करता है, शुक्राणु को अंडाणु में एंटर करने में सहायता प्रदान करेगा। सेकंड कंडीशन है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, जो पावर हाउस होता है, जो स्पर्म होता है, स्पर्म का जो मिडिल भाग बनेगा, उस मिडिल भाग में एक वले पाई जाती है। उस स्पर्मेटिड पर जो सेंट्रोसोम जहाँ पर स्थित होंगे, एक मिडिल पार्ट का निर्माण करेंगे, वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु को एनर्जी देने का काम करेंगे। उसके बाद क्या होगा, जो स्पर्मेटिड जो होता है उसमें तारक केंद्र पाए जाते हैं। तारक केंद्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो शुक्राणु के आगे शीर्ष पर स्थित होता है जिसे समीपस्थ तारक केंद्र कहा जाता है, और एक थोड़ा पीछे की ओर मध्य भाग के में स्थित होता है जिसे दूरस्थ केंद्र कहा जाता है। जो प्राइमरी सेंट्रियोल है, जब शुक्राणु का अंडाणु से फर्टिलाइजेशन होता है, संलयन होता है, उस दौरान यह प्राइमरी सेंट्रियोल, प्राइमरी समीपस्थ जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है, समीपस्थ तारक केंद्रक है या तारक केंद्र है, ये फर्टिलाइजेशन के दौरान युग्मन अंडाणु में प्रवेश कर जाता है और जायगोट के निर्माण के दौरान, फिर जैसे जायगोट बनता है तो जायगोट में एंटर हो जाता है। मतलब आप कह दो कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट बन जाता है, तो उस टाइम ये समीपस्थ तारक केंद्रक भी वहाँ प्रवेश कर जाता है। अब ये समीपस्थ तारक केंद्रक क्या करेगा कि जो जायगोट बनेगा उसमें एक क्लीवेज डिवीजन या विदलन, या आप कह दो कि समसूत्र विभाजन को
इंक्लूड करेगा, समसूत्री विभाजन को इंट्रोड्यूस करेगा, मतलब समसूत्री विभाजन को प्रेरित करेगा, आगे की कोशिकाओं के निर्माण को प्रेरित करेगा। और दूरस्थ तारक केंद्र क्या करता है, इस पर एक प्रकार से विशिष्ट प्रकार के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, तर्कु तंतु का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की वर्विल के एक सर्पिल वाले पाई जाती है, जो कि वहाँ पर उसको एनर्जी देने से प्रोवाइड करता है। और इस समीपस्थ तारक केंद्र का दूरस्थ जो भाग होता है, बाद में टेल का निर्माण करने का काम करता है। इसमें आगे डिटेल लिखते हैं कि स्पर्मेटिड किस प्रकार से स्पर्म में परिवर्तित होता है। स्पर्मेटिड का केंद्र गोल होता है, जो शुक्र कायांतरण के द्वारा शुक्र कायांतरण के द्वारा लंबा व चपटा हो जाता है, लंबा व चपटा हो जाता है, क्योंकि इसमें से अनावश्यक आरएनए हटा दिया जाता है, और यह केंद्र हल्का हो जाता है, और ये केंद्र कैसा हो जाता है भैया, हल्का हो जाता है। सेकंड पॉइंट है, स्पर्मेटिड में पाया जाने वाला गोल्जी काय अग्र सिरे पर टोपी के समान, केप के समान संरचना बनाता है, टोपी के समान संरचना बनाता है, जिसे एक्रोसोम कहा जाता है, जिसे एक्रोसोम कहा जाता है, एक्रोसोम कहते हैं, क्योंकि इसका कार्य अंडाणु के आवरण को बनाना है, क्या काम करेगा, अंडाणु के आवरण को गलाने का कार्य करेगा। अगला पॉइंट है, इसमें थर्ड पॉइंट, स्पर्मेटिड का सेंट्रोसोम दो भागों में बट जाता है, जिन्हें समीपस्थ तारक केंद्र व प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल व दूरस्थ दूरस्थ तारक केंद्र कहते हैं। इनमें से दूरस्थ तारक केंद्र इनमें से
दूरस्थ तारक केंद्र, इनमें से दूरस्थ तारक केंद्र से पूंछ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? पूंछ का निर्माण होगा। पूंछ का निर्माण निर्माण पूंछ का निर्माण होता है। पूंछ का निर्माण होता है। क्या आप ऐसे कर सकते हो कि इसमें पूंछ का अक्षीय तंतु बनता है? पूंछ का अक्षीय तंतु बनाता है। पूंछ का निर्माण भी बोल सकते हो, पूंछ का अक्षीय तंतु बनाता है। और जिसे जिससे शुक्राणु जिससे शुक्राणु गति करते हैं, जिससे क्या करते हैं? शुक्राणु गति करते हैं। आगे देखते हैं, फोर्थ पॉइंट है शुक्र कायांतरण के दौरान, शुक्र कायांतरण के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया शुक्र कायांतरण के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया अक्षीय तंतुओं की चारों ओर अक्षीय तंतुओं के चारों ओर एकत्रित होकर सर्पिलाकार संरचना बनाते हैं। कौन सी संरचना बनाते हैं? सर्पिलाकार संरचना बनाते हैं जिसे नेवेनकर्ण जिसे नेवेनकर्ण आच्छद कहते हैं। क्या बोला जाता है? नेवेनकर्ण आच्छद कहते हैं। आगे स्पर्मेटिड का वजन अधिक होता है। स्पर्मेटिड का वजन अधिक होता है। क्या अधिक होता है? स्पर्मेटिड का वजन अधिक होता है, इसलिए इसमें से अनावश्यक कोशिका द्रव्य को हटा दिया जाता है और इससे शुक्राणु हल्का हो जाता है। और इससे क्या होता है? शुक्राणु हल्का हो जाता है।